आपके समय है, दोनों बूटी है ना, इसको यहाँ शो करिए। ये कौन सा किस नल का पानी ये है? इंडियन मार्का नल का जल है, ये इंडिया मार्का जिसको लोग कहते हैं, बहुत शुद्ध पानी होता है और ये पीने के योग होता है। इसको मैंने इस गिलास में डाला, ये जो गिलास है इसमें इंडियन नलका का पानी है। और ये कौन सा पानी है? ये घर में नल का जल, सामान्य नल होता है, 4 नंबर नल होता है उसका ये पानी है, जिसमें मैंने इसको डाला इसमें। और हम दोनों का डेमो करके देखेंगे, परीक्षण करके देखेंगे किस पानी में कितनी शुद्धता शुद्धता है, शुद्धता और कितनी अशुद्धियाँ हैं। तो इसको अभी हम देख रहे हैं, तो आप लोग ऐसा बैठ के बने, यहाँ से बताइए हम। बिल्कुल हम देख रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए सर ये आपके घर के अंदर का पानी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस 4 नंबर नलका का पानी है, नॉर्मल नलका है, ये आपका है सरकारी इंडियन मार्का, हाँ सरकारी हैंडपंप का है। इसमें कम अशुद्धियाँ दिखाई दे रही हैं, जबकि ये 4 नंबर वाले का काफी, ये जितना झाग आएगा ये अशुद्धियों पे दर्शा रहा है। ये झाग आएगा जो ये सब गंदगी है, टिल्लू का ही है, टिल्लू का हम लेकर आए हैं, टिल्लू से ही लेकर आए। गंदगी है आपकी, राइट जी। ये जो अगर शुद्ध पानी होता है वो हल्का पिंक होकर रह जाता है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। बट ये आप देख रहे हैं इसमें तो 100% 1000% अशुद्धियाँ कह सकते हैं। इसमें भी है, थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, इसमें भी है, लेकिन है इसमें, हाँ इसमें भी है, कम है, बहुत कम है इसकी अपेक्षा। तो ये पानी हम लोग पीते हैं तो क्या करेंगे, हम बीमार नहीं पड़ेंगे? हमेशा 100% सबसे पहले हमको ये इस पानी को शुद्ध करना होगा जो बॉडी में 78% काम करता है। जैसा गर्म होगा, गर्म होगा, एक खराब हो जाएगा, अभी नहीं। गिलास बदल दीजिए, आगे पीछे करके लगा सकते हैं। अब नहीं, ऐसे नहीं होगा, बता रहे हैं। थोड़ा खींच लीजिए बस, आप बोल सकते हैं आप जो बोलना है। ठीक है, ऊपर से देखिए दोनों पानी गंदे हैं, दोनों पानी गंदे हैं, ये दोनों गंदे, ठीक है, कुछ पीने लायक नहीं है इसमें। अच्छा, इसको उलट के लगाइए, हम चेक करें, बंद करें।